हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस जितने भी थे, एक्चुअली इक्वेशंस, क्वेश्चंस नहीं, इक्वेशन हमने सारी इस चैप्टर की सोल्व कर ली थी। ओके, वो चाहे 3.1 हो, 3.2, 3.6 तक हमने वो कंप्लीट कर लिया था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, साथ में मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज मैं जो करने वाला हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आपका बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में है जिसको हम कई बार स्किप कर देते हैं, सो आज मैं वो एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, और हम सब मिलकर ये एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि एग्जाम्पल से रिलेटेड होते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। ओके बच्चे, आओ अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 16 मैं सोल्व करवा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो भी। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। ओके, दो पर्सन है, उनकी इनकम का रेशियो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा जो है, जो एक्सपेंड करते हैं या स्पेंड करते हैं, उसका जो रेशियो माय डियर स्टूडेंट वो है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, उनमें से एक्चुअली दोनों जो है ₹2000 हर मंथ जो है सेव करते हैं, और फाइंड देयर मंथली इनकम्स, उनकी मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करती हमने फाइंड आउट करनी है। आओ जरा देखते हैं एक बार। एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले हमें एक माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। देखिए, मैंने कहा था कुछ कॉन्सेप्ट साथ साथ सीखते चलेंगे। एक्चुअली फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। क्या कहता है कि इनकम इनकम में से जब मैं जो मेरा खर्चा हो जाएगा, कोई भी मैं इनकम की उसमें से जो मेरा खर्चा है, खर्चा होने के बाद जो भी पैसे होंगे वो मेरे बचेंगे, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है वो देखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि दो पर्सन हैं तो लेट करते हैं, लेट। देखिए, जब भी इनकम हो या किसी चीज का भी रेशियो दिया हो तो उसके साथ आपने एक वेरिएबल लेट करना है, ठीक है। तो लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम हमने लेट कर ली लाइक 7x। ओके, लेट द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन की हम इनकम लेट कर लेते हैं 7x। देखिए, वेरिएबल सेम रखेंगे, इनकम के लिए सेम वेरिएबल हमने एक्स लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। ओके, तो लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है उसको हम लेट कर लेते हैं 4y, ठीक है बच्चे। नाउ लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन, उसको लेट कर लेंगे आप 3y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जो सेविंग्स है माय डियर स्टूडेंट्स, सेविंग्स दोनों की जो है वो है ₹2000। ओके, सेविंग्स 2000 है, तो अप्लाइंग द फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, तो फोर फर्स्ट पर्सन पहले पर्सन के लिए बेटा इनकम कितनी है 9x, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 4y, इज इक्वल टू सेविंग्स कितनी है 2000। तो ये माय डियर स्टूडेंट ये आपकी पहली इक्वेशन फ्रेम हो गई। ओके, ऐसे सेकंड पर्सन के लिए इनकम कितनी है 7x, फिर माइनस आपका एक्सपेंडिचर है 3y, और इज इक्वल टू सेविंग्स कितनी बेटा 2000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, उसके बाद क्या करना है, एज यू ऑल नो वी आर यूजिंग, हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड, एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड। इसमें बेटा क्या करते हैं, अब लुक, यहां पे मैं वाई का कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूं सपोज, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को, यहां पे वाई का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स 3, तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहां पर जो वाई का कोफिशिएंट है वो है 4। ओके, तो मैं सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2
बाय 4, ठीक है बेटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कहा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27x माइनस 3 4 12y इज इक्वल टू 2 3 6, ये आ गया बेटा 6000। और यहां पर आप 4 से करेंगे, 4 7 28x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 4 2 8 यानी कि 8000, ठीक है बेटा। अब क्योंकि देखो सेम साइन है, यहां पर माइनस माइनस है, तो हमें सेम साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहां पर प्लस है 28x के साथ, यहां माइनस लगाएंगे, यहां पर माइनस है तो यहां हम प्लस लगाएंगे, और यहां पर अगर आप देखोगे इसके साथ 8000 के साथ प्लस साइन है तो हम यहां माइनस लगाएंगे, ठीक है। देखो बेटा ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि माइनस 12y ये हो गया प्लस 12y, कैंसिल आउट हो गया। 27x और ये है माइनस 28x, तो बचेगा ये माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें ये जाएगा तो ये बचेगा माइनस 2000, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो वी गेट x इज इक्वल टू 2000। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, 2000 मिली माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं, और ये जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर लाइक मैं 2 में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। तो 7 पहले इक्वेशन लिख देता हूं, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, और आप x की जगह 2000 पुट करोगे तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 2000 ऑलरेडी है, 7 टू 14 14000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है बेटा। अब ये प्लस 14000 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 14000, तो ये आ गया बेटा माइनस 12000, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y विल बी इक्वल टू 12000 डिवाइडेड बाय 3, ओके। नाउ 3 4 इज 12, सो y की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 4000। तो x की वैल्यू 2000, y की वैल्यू 4000 हमने फाइंड आउट कर ली, ओके। अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, हमें इनकम्स फाइंड आउट करनी है। सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, 9x है, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 9 इनटू x इज 2000, सो दिस इज 18000 रुपीज। नाउ इनकम ऑफ सेकंड पर्सन वो कितने बचे, 7x, तो 7 इनटू 2000 दैट वुड बिकम 14000। अब आप कहोगे सर x के वैल्यू से ही काम चल गया, अरे इसमें तो इनकम्स फाइंड आउट करनी थी। फॉर एग्जांपल आपसे लाइक एक्सपेंडिचर पूछ लिया तो हम एक्सपेंडिचर भी बता सकते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन है बेटा 4y, ठीक है। तो 4 इंटू 4000 तो ये आ गया जी 16000, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 4 ये आ गया जी 12000, ठीक है। देखो अब आपको पता लग ही जाएगा, इनकम इसकी 18000 है, खर्च कर दिए इसने 16000, तो इसका मतलब सेविंग्स कितनी हुई, 2000 की, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे इसकी जो इनकम है वो 14000 है, 12000 ये एक्सपेंड कर देता है, सॉरी स्पेंड कर देता है, तो 12000 की सेविंग्स आ गई। अगर आंसर कंफर्म करना है तो आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। होप कि बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं हट जाता हूँ, आप 2 सेकंड वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो मैं इसको अब यहां से हटा दे रहा हूं, भी करवाऊंगा
ओके अभी नंबर बेस्ड क्वेश्चन जब आ गए हमारे सामने तो एक चीज बताइए मुझे, आप सभी ने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी, लाइक 28 मान लीजिए, तो 28 को आप कैसे लिखते हो, 2 × 10 + 8, ठीक है ना, क्योंकि जो ये बेटा ये होता है क्या, आपको सभी को पता होगा यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोल देते हैं इसको, ठीक है, वंस प्लेस, और ये क्या होता है टेंस प्लेस, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले हम बेसिक कर रहे हैं एंड देन क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो आप इसकी जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे ना, 2 × 10 + 8 बोली, ठीक है, 2 × 10 सा क्या हो जाएगा बेटा 20, 20 + 8 क्या आना है 20, 80 तो आना है, ठीक है। अब है क्या, जो भी डिजिट टेंस प्लेस पे है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिजिट हंड्रेड प्लेस पे उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक मैंने लिखा 349, तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा 3 × 100, ये आपका वंस प्लेस हो गया, ये आपका टेंस प्लेस हो गया, ये आपका हंड्रेड प्लेस हो गया। बहुत बेसिक बातें हैं, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन ये करना क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे लिखूंगा वो बता रहा हूँ, 3 × 100 + 4 × 10, और इसको लिखोगे 9, 9 × 1 तो 9 ही रहेगा, तो 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 पे तो 1 है ही, ठीक है बेटा। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई, ओके। अब अगर मैं यहां पर जो मैंने 28 लेट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो मैंने यूनिट प्लेस को मान लिया x, और ये जो टेंस प्लेस है उसको थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने y, ठीक है, यूनिट प्लेस को x और टेंस प्लेस को मैंने y मान लिया, तो बेटा मेरा नंबर क्या होगा, अब आप मुझे बताओ, ऐसे नहीं लिखोगे 10 × y + x, बोलो, जो आपका नंबर हम लिखेंगे, अगर कोई दो डिजिट का नंबर है लेकिन मुझे ये नहीं पता वो दो डिजिट कौन सी है, तो मैं नंबर को ऐसे तो रिप्रेजेंट करूंगा 10 × y + x, क्योंकि ये मेरा वंस प्लेस हो गया और ये मेरा टेंस प्लेस हो गया, ओके। तो टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एज इट इज रहना है, तो अल्टीमेटली मेरा जो नंबर आएगा वो बेटा 10y + x आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं इन डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करता हूं, ऑर्डर इज रिवर्स्ड या इंटरचेंज्ड, दो ही वर्ड आते हैं, लाइक अगर आप डिजिट 28 है, अगर मैं इसको 82 बना दूं, अब आप देखोगे जो टेंस डिजिट थी वो वंस डिजिट में चेंज हो गई और जो वंस डिजिट थी वो टेंस डिजिट में चेंज हो गई, तो यहां पर जो नंबर है माय डियर स्टूडेंट वो yx था पहले, अब ये xy हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि मैंने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है बेटा, तो ये xy हो गया। अब क्या सिचुएशन बनी कि इसको हम लिखेंगे 10 × x + y, तो यानी कि आ गया 10x + y, तो जब मैं डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करूंगा, ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई जो मैंने अभी बताई। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। द सम ऑफ अ 2-डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, एक 2-डिजिट का नंबर है, अगर मैं उसको एड करता हूं किसके साथ, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं उसके ऑर्डर को रिवर्स करके, कोई अगर मान लीजिए नंबर है एक्स वाई और मैं उसको वाई एक्स, यानी कि जो नंबर है ना उसका अगर मैं डिजिट का रिवर्स, डिजिट को रिवर्स कर दूं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसको इसके डिजिट को मैं रिवर्स करूंगा तो वाई एक्स बनेगा, इन दोनों का सम दे रखा बेटा 66, ध्यान से पढ़िएगा, द सम ऑफ अ 2-डिजिट नंबर, कोई 2-डिजिट का नंबर है उसका सम करेंगे हम उसके साथ, उस डिजिट के साथ जो कि रिवर्सिंग ऑर्डर को रिवर्स करके आएगी, तो ऑर्डर एक्स वाई को रिवर्स करोगे तो वाई एक्स बनेगा, इन दोनों में समय बेटा 66, बात क्लियर हो गई। अब कहते हैं डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब इसका क्या मतलब है भाई, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो इसमें का मतलब है जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 86, अब इसके डिजिट ये 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। एक चीज और हो सकती है, 86 हो सकता है या हो सकता है नंबर कोई और हो, लाइक 64 हो, अभी भी 6 में से 4 गया 2, ठीक है, तो हमें ये नंबर नहीं पता ना अभी, तो उसने कहा है जो डिजिट्स का जो डिफरेंस है, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो है बेटा 2, कहता है फाइंड द नंबर, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, हो सकता है वो 86 हो, 64 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इतने ऐसे कितने नंबर यहाँ पे पॉसिबल है, तो बात समझ में आई, नंबर जब मैं नंबर की जो डिजिट्स है उनका ऑर्डर रिवर्स करूंगा तो एक और नंबर आएगा, ठीक है, उनका सम कितना बेटा 66, ओके चलो आगे बढ़े। अब क्योंकि मुझे नंबर नहीं पता इसलिए मैंने एक्स वाई लिया हुआ है, चलो आगे बढ़ता हूं, अब क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, तो पहले लेट करेंगे बेटा, क्योंकि हमें ना तो ये पता है वंस डिजिट क्या है, ना हमें ये पता है टेंस डिजिट क्या है, तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द
यूनिट्स डिजिट बी एक्स. यूनिट डिजिट को मैंने एक्स लेट कर लिया. लेट द टेंस डिजिट बी व्हाट, वाई लेट कर लेते बेटा. ठीक है, नाउ ओरिजिनल नंबर, मैं यहां पे ओरिजिनल नंबर लिखूंगा क्योंकि यहां पे दो नंबर होते हैं. ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा बेटा, 10y प्लस x. बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये टेंस डिजिट पे y है तो हम 10 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट डिजिट पे यानी कि वंस डिजिट पे x है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा. और क्यों ऐड किया वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. ठीक है बेटा जी, अब इसके बाद इफ इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज reversed or interchanged. अगर मैं digit का जो order है, ठीक है ना, यानी कि जैसे 82 है तो मैं उसको 28 बना दूं, ऐसे इसको बोलते हैं reversing the order या interchanging the order. ठीक है, तो reversing और digits is reversed or interchanged, then बेटा एक new number आएगा. क्या आएगा, new नंबर, वो आएगा बेटा 10x plus y. अभी मैंने बताया था ये क्यों आया, एक्सप्लेनेशन हो चुकी है इसके भी. अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक सिचुएशन दी गई है. ठीक है, सिचुएशन क्या दी है उसने कि भाई ये जो ओरिजिनल नंबर है और जो नंबर डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करके आया है, उन दोनों का सम कितना बेटा 66, यानी कि इसका सम और इसका सम 66 है. बोले तो ओरिजिनल नंबर, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा अभी तक ये, ओरिजिनल नंबर प्लस, देखो इतना जो हिस्सा है ना वो सेम चलेगा हर क्वेश्चन में, इतना जो पार्ट है ये जब आप लिख देते हो आपको कुछ ना कुछ हाफ मार्क्स तो टीचर एटलीस्ट देगा ही देगा, तो क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए तो नहीं जाएंगे आप. तो ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, जो बेटा कंडीशन दे रखी है, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर, इन दोनों का सम बेटा कितना है 66. ओके, नाउ ओरिजिनल नंबर कितना 10y प्लस x, ठीक है जी, प्लस न्यू नंबर कितना 10x प्लस y इज इक्वल टू 66. x प्लस 10x 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 66. 11 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस y इज इक्वल टू 66. 11 6 जा 66, तो इक्वेशन क्या है बेटा आपके सामने, x प्लस y इज इक्वल टू 6. ठीक है जी, ये आगे आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. नाउ उसने कहा था कि जो डिजिट्स है ना उनका जो डिफरेंस है, डिफर मतलब डिफरेंस, वो है बेटा 2. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए डिजिट का जो डिफरेंस है, एक डिजिट है x, एक डिजिट है y, इनका जो डिफरेंस है बेटा वो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फिर से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं, वो है बेटा डिजिट. अब मुझे ये तो नहीं पता ना x डिजिट बड़ी है या y बड़ी है, like मैंने नंबर लिया 28 या 24 ले लो और 42 ले लो. अब ये बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, यहाँ पे वंस डिजिट बड़ी है, यहाँ पे टेंस डिजिट बड़ी है. ठीक है, तो देखो केसेस तो दोनों ही पॉसिबल है ना, तो अब क्योंकि मुझे ये नहीं पता वेदर एक्स इज ग्रेटर और वाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. एक सिचुएशन तो ये जनरेट करनी पड़ेगी और एक में आएगा बेटा y माइनस x इज इक्वल टू 2. देखो यहां पे x बड़ा हो गया, भाई बड़े में से तो छोटा माइनस करोगे, और यहां पे y बड़ा हो गया, तो इस केस में x बड़ा हो गया, इस केस में y बड़ा हो गया, यानी कि हमने दोनों केस कंसीडर कर लिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है. देखो यहां पे फिर कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं. ठीक है बेटा, या फिर कई बार हम ये भी लिख देते हैं कि भाई x माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. आपको हो सकता है आपके टीचर ये भी लिखवा दें, प्लस माइनस 2 भी करके लिखवा दें. एक्चुअली जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन ये आएगी. ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े, तो यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन नहीं, तीन इक्वेशन फ्रेम हो गए इस क्वेश्चन में. और यही मैं बताता हूं आपको कि आप क्वेश्चन या कुछ भी चीज स्किप करके मत देखा करो, चाहे कोई भी करा रहा हो, कोई भी टीचर. ओके बेटा, तो अब मैं इसको केस नंबर 1 बना लेता हूं और इधर बनाऊंगा केस नंबर 2.
ठीक है, केस नहीं लड़ रहे हम यहाँ पे, बस उन केसेस को सोल्व कर रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू टू और एक है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी हुई थी, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इक्वेशन टू और फर्स्ट को, और यहाँ पे y माइनस x इक्वल टू टू है और ये है बेटा। अच्छा ये बताओ, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y प्लस x इज इक्वल टू सिक्स, क्या फर्क पड़ता है, टू प्लस थ्री लिखो या थ्री प्लस टू लिखो, आना तो फाइव ही है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स लिखो या y प्लस x इक्वल टू सिक्स लिखो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो देखो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया ना, x प्लस एक्स टू एक्स, सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा दो, टू प्लस सिक्स एट, तो x बेटा यहाँ से क्या आएगा, एट बाय टू बोले तो फोर, तो x की वैल्यू इस केस में फोर आ गई, और इस केस में अगर आप जाएंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, y प्लस वाई टू वाई, टू वाई इज इक्वल टू एट, टू प्लस सिक्स, तो y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टू से कैंसिल आउट हो गया, टू फोर जा एट, ओके। तो यहाँ पे x फोर आया, वहां पे y फोर आया, अब x की वैल्यू फोर किसी भी इक्वेशन में, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये है बेटा x, x की जगह 4 रखेंगे, 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे y की वैल्यू रख दो इस फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो 4 प्लस x इज इक्वल टू 6, तो बेटा x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट किया हुआ है मैंने, ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो यहां पे पुट किया हुआ है, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे बेटा जो नंबर बनेगा, हाँ अगर हम बात करें तो ओरिजिनल नंबर, तो नंबर क्या होगा बेटा, वो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y plus x, जब वो यहाँ पे नंबर पूछेगा ना, यहाँ पे जो नंबर पूछेगा तो वो ओरिजिनल नंबर की बात करेगा, अगर उसने खुद ही बोला हुआ है कि न्यू नंबर फाइंड आउट करो तो आप फिर ये निकाल दोगे 10x plus y, तो नंबर क्या होगा बच्चे 10y plus x। इस केस में अगर मैं बात करूं y की वैल्यू बेटा 2, तो 10 into 2 प्लस एक्स कितना बचे 4, तो 10 टू 20 प्लस 4, तो नंबर आ गया 24। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पे ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर वो भी 10y प्लस x ही आएगा, ठीक है, तो 10 इंटू y कितना बेटा 4 प्लस x कितना 2, तो 10 4 जा 40, 40 प्लस 2 42, एंड उसे क्वेश्चन और पूछा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं, सो देयर फॉर टू नंबर्स, टू नंबर्स एग्जिस्ट फॉर गिवन कंडीशन, ठीक है बेटा जी। तो दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक है 24 और एक है 42, क्योंकि देखो ना इनके डिजिट का भी डिफरेंस 2 है और इनके डिजिट का भी डिफरेंस कितना है बेटा 2 है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, और देखो 24 को और मैं 42 में ऐड करूंगा तो 66 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नंबर है उसके ऑर्डर को रिवर्स करो, उनका जो सम आएगा वो 66 है, तो 24 प्लस 42 वो भी 66 होगा, तो दोनों ही जो नंबर है वो हमारी सिचुएशन को क्या कर रहे हैं बेटा, फॉलो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सो टिल देन नोट इट डाउन।